कुछ खिला के ही नहीं लाया, वही का डॉग लिखा रहा है जर्मन शेफर्ड से एल्सेशियन क्रॉस है। उम्र में 2.5 महीने का है ये बच्चा, अभी नहीं बड़ी मुश्किल से हाथ में है। ये हमारे व्यूवर्स की तरफ से, ठीक है, उनके हक में दुआ कीजिए, तो उसकी एज के बारे में मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? 1500 रुपये एक दाना दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ेब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूअर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। व्यूअर्स, एक बार फिर से आप व्यूअर्स को लेकर आए हैं यहाँ पर सदर संडे मार्केट में, यहाँ पर इंशाल्लाह आपको विजिट करवाएंगे। आज हमारा रुख जो है सदर संडे बर्ड्स मार्केट की तरफ है, जहाँ हम मुर्गों की और मुर्गियों की कवरेज करते हैं, साथ साथ जो भी बर्ड्स आते हैं उनको कवरेज करके आपकी खिदमत में एक अपडेट पेश करते हैं। आज आप लोगों को बता दूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस जो है लोगों ने मार्केटों का रुख नहीं किया है, तो बहुत सारे सेलर्स भी बहुत कम आए हैं, साथ साथ यहाँ पर जो ख़रीदार है वो तो बहुत ही कम है, नज़र नहीं आ रहे। तो आप लोग को दिखाते हैं, छोटा सा आइडिया दिखाते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी इस वक्त मार्केटें वगैरह सब बंद हैं और बहुत कम रश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इंशाल्लाह विज़िट करेंगे, एक अपडेट आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आइए मार्केट का सर्वे करते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों को बता दूं कि आज डॉग मार्केट नहीं लगी है, हमने यहाँ पर आके विज़िट किया, देखा तो यहाँ पे डॉग वाले बिल्कुल भी नहीं थे। एक तो डॉग वाले अभी आए हैं, उनसे मालूम करेंगे कौन सी ब्रीड है। इसके अलावा यहाँ पे डॉग मार्केट बिल्कुल भी नहीं लगे, एक और व्यू भी दिखाएंगे आपको और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए आप लोग को डॉग मार्केट का भी सर्वे करवा देते हैं। तो इस वक्त हम लोग फायर ब्रिगेड के साथ हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई भी डॉग सेलर नहीं है, और अगर हम रेम्बो सेंटर की बिल्डिंग के सामने वाली साइड देखें तो वहाँ पर भी डॉग सेलर नहीं है। आइए आप लोग को लेके चलते हैं। तो मार्केट में शख्स अभी आए हैं, आइए इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। भाई ये बताएं, मार्केट आज तो लगी ही नहीं है, तो फिर आज क्या कितने बजे की टाइमिंग थी, क्या था, पुलिस वाले भगा रहे थे, क्या सीन था आज मार्केट में? अभी तक तो कोई पुलिस वाला नहीं आया, बाकी मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी है, रमजान का आखिरी है। तो ये मैं एक लाया था डॉग, अभी तक नस्ल का डॉग लेकर आया मार्केट में, ये पिटबुल और उसका ग्रास है गोल्डेयर का। डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी आप? मैं इसकी 18,000 रुपये। 18,000 रुपये, ये बताया इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है? तो कुछ खिला के ही नहीं लाया हूँ। क्यों? खिलाना तो चाहिए, वही कह रहेगा, खिलाना तो चाहिए इसको, काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। ये बताएं इसकी एज कितनी है? इसकी एज 7 मंथ है। 7 मंथ है जी। अच्छा, एक क्रॉस ब्रीड है ना जी। ठीक है, ये बताएं इसकी वैक्सीनेशन करवाई है आपने? नहीं, वैक्सीनेशन नहीं करवाई। इनकी नहीं होती, इनकी वैक्सीनेशन नहीं होती, कोई डिजीज़ वगैरह की भी नहीं होती। अच्छा, ये बताएं कि इसको फाइनल कितने का देंगे आप? फाइनल में 16,000 रुपये का दे दूँगा। फाइनल 16,000 में देंगे, और डाइट में क्या देना है इसको? अभी डाइट में पंजे बॉइल करके। तो कितने टाइम खिलाते हैं आप इसको? 3 टाइम, सुबह सिर्फ दूध देता हूँ, बाकी तीनों दोनों टाइम पंजे। मुझे लग रहा है पंजे का सिर्फ नाखून खिलाते होंगे, जैसी इसकी सेहत है। नहीं, कम खिला रहा हूँ ना, कम मकदार हूँ। जब 3 टाइम खिला रहे हैं तो उसकी सेहत तो होनी चाहिए, अब एफोर्ड नहीं कर पा रहे। चले, अपना नाम बता दें, कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें। मेरा नाम आसिफ है, 0305-2775-7785। क्या अभी अभी आए थे आप जी? ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुना? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन सी नस्ल का डॉग लिखा रहे हैं? जर्मन शेफर्ड से एल्सेशियन क्रॉस है। जर्मन शेफर्ड से एल्सेशियन क्रॉस है ये। ठीक है, क्या डिमांड कर रहे हैं इसके आप? मैंने इसके 35 लगा लिए। 35 लगाएं। ठीक है, बताएं कि इसकी एज कितनी है अभी? ये इसके 3 महीने का होगा। 3 महीने का है जी। और इसको डाइट में क्या खिला रहे हैं? ये घर का खाना हर चीज़ खा लेते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर गोश्त, चिकन वगैरह, चावल। अच्छा, अभी इसको ट्रेनिंग दिया आपने, कुछ सिखाया जी? ट्रेनिंग में क्या सिखाया? टट्टी पेशाबी है, बाहर करता है। अच्छा, घर में गंदगी नहीं करता? घर में गंदगी नहीं करता है, भूखता भी नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, फाइनल डिमांड बता दें बिल्कुल। 25 में दे दूंगा, अगर कोई आ गया तो लेने। ठीक है, आपका नाम क्या है? शरिया। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर है नहीं, वो नंबर नहीं आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? दुआ है आपकी। ये बताएं कौन कौन से नस्ल का मुर्गा मुर्गी लेकर आए? मियाँ वाली मुर्गा लेके आया हूँ मैं, अभी बेचा है मैंने 3,000 रुपये का, ये 1500 रुपये का। ये 1500 रुपये का, ये फुलिया है, ये फुलिया। हेलो, ये फुलिया नसल का? हाँ, ये फुलिया नसल का है। 1500 रुपये का? 1500 रुपये का। वजन में कितना है? वजन में 2 किलो है ये। और उम्र में? उम्र में 2.5 महीने का है ये बच्चा अभी तो ये। अच्छा, ये बताएं आंखें बंद क्यों कर रहा है, क्या बीमार है? नहीं, बीमार नहीं है, ये ऐसी लेके आया था, ऐसी ही बचपन में, ऐसी ही ये पट्टा है ना इसलिए। अच्छा, ये पट्टा है इसलिए आंखें बंद कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा नीचे जो रखे हैं? हाँ, ये बच्चे बैठे हैं, ये असली बच्चे हैं। ये कितने कितने का दे रहे हैं? ये 650 का दाना दे रहा हूँ। 650 का दाना, जिसमें कौन कौन सी नस्ल है? इसमें फुलिया नस्ल है, मियाँ वाले बच्चे हैं, इसमें ये कुलंगी है, काला मुश्का नहीं होता है वो नस्ल में भी है,
बाबा ये फुलिया है, बड़ा वाला बच्चा है, नया बच्चा है, 1500 रुपए का है ये 1500 रुपए का। खाकी मुर्गी है ये 1800 रुपए की है। ये खाकी मुर्गी 1800 रुपए की, 1500 रुपए का। इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र 3.5 महीने की और 4 महीने की मुर्गी है। और ये जो पट्टे रखे हुए छोटे पट्टे रखे हुए 2.5 महीने 3-3 महीने की हूँ। 2.5-3 महीने। ठीक है, आपका नाम क्या है? हरिया। फोन नंबर बता दें अपना। 0315-2824-914। चले, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है जी। ये बंदा कौन कौन सी नस्ल का मुर्गा मुर्गी लेकर आया? ये हीरा नस्ल के। हीरा नस्ल है, कितने कितने के सेल कर रहे हैं? ये हम 1500 रुपए के एक दाना सेल कर रहे हैं। 1500 रुपए एक दाना दे रहे हैं। इनकी क्वालिटी के बारे में बताएं जरा। क्वालिटी इनकी अच्छी है। ये हीरा नस्ल है। ये वाले ये फुलिया नस्ल है, ये जावा वाला है, ये भी फुलिया वाला है। ये कितने कितने के सेल कर रहे हैं? ये 1000-1000 के। 1000-1000 रुपए के सेल कर रहे हैं जी। इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र हो जाएगी मेरे अंदाजे में 4 महीने की हो जाएगी। ये 4-4 महीने के। और ये वाले हीरा? ये भी इतने ही है, 4-4 महीने। अच्छा, हीरा की आंखें वगैरह इधर दिखाएगा, आंखें पंजे कैमरे की तरफ। कुछ कमी पेशी होगी हीरा में? हाँ, कमी पेशी भी हो जाएगी, कमी पेशी कर लेंगे। और इनमें? इनमें नहीं होगी। इनके कितने रेट बताएं आपने? 1000-1000 रुपये। 1000-1000 रुपये। और हीरा में? हीरा के जो 1500 रुपये बताए 1200-1300 के दे देंगे। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जेठालाल। कहाँ से लेकर आते हैं आप ये? ये नवाबशाह से आते हैं। ये नवाबशाह से खरीद के लेकर आते हैं जी, यहाँ पे लाके सेल करते हैं जी। अपना फ़ोन नंबर बता दें। 0300-3344-261। चले, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी। जनाब, ये बताएं क्या लेकर आए मार्केट में आज? भाई, ये एक फुलिया मुर्गी लेकर आया हूँ, ये वाली। ये थाईलैंडी मुर्गी, इसके साथ 2 बच्चे, एक जावा मुर्गा लेकर आया हूँ, ये वाला। अच्छा, ये 2 बच्चे इसके हैं जी, थाईलैंडी का। और जावा मुर्गा? जावा मुर्गा जो है ये मियाँ वाली साइज में, इसके प्राइस जो है वो 3500 रुपये। 3500 रुपये जी। और ये मुर्गी के? मुर्गी के इस वाली के 2500, इस वाली के 3000 रुपये। ये 2500 की, 3000 की। और चूजे? ये चूजों के साथ है? के साथ है, बिल्कुल। चूजों के साथ 3000 रुपये? 3000 रुपये की है, बिल्कुल। अच्छा, इनको किसी को नीचे छोड़ के दिखा सकते हैं जी? ये थाईलैंडी मुर्गी है जी, थाईलैंडी है ये वाली। ये वाली थाईलैंडी है, 3000 जी। 3000 रुपये की। कुछ कमी पेशी होगी इसमें? इसमें कमी पेशी आपको 2500 रुपये में दे देंगे। आप देख सकते हैं, फाइट देख सकते हैं इसकी, बिल्कुल ब्लैक टांगों में देखे, बिल्कुल ब्लैक इसकी टांगे, कांटे भी आ रहे हैं इसके, देख रहे हैं आप, नज़र आ रहा होगा आपको, ये कांटे आ रहे हैं, कांटे आ रहे हैं इसके। आँख देख सकते हैं ब्लैक, थाईलैंडी की प्योर जो निशानी है वो आँख ब्लैक, और धारी देख सकते हैं आँख की कैसी है इसकी, माशाल्लाह। तो जो शौकीन होगा वो पहचान जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये फुलिया? फुलिया है, प्योर फुलिया है ये। इसका जो बाप था वो पंजाब नस्ल का था, और माँ इसकी सिंध नस्ल में थी। प्योर फुलिया है ये, देख सकते हैं आँख भी इसकी वाइट, चोंच वाइट, टांग देख सकते हैं, टांग भी वाइट है इसकी। और इसके अलावा? और ये है जावा, ये मियाँ वाली जावा है, मियाँ वाली जावा जी। चेहरा इसका देख सकते हैं, मुरोयों वाला चेहरा इसका, और टांगे देख सकते हैं, डबल नली में, चौरस नली में ये। अच्छा, ये पट्ठा है, जवान है भी? पट्ठा है, पट्ठा है, आप कांटे नहीं देख सकते, छोटे छोटे महीने का? हाँ, कांटे तो छोटे हैं, बिल्कुल। ये होगा अंदाजन 12-13 महीने का होगा, 12-13 महीने का। फाइनल कितने का देना मुर्गा? फाइनल आपको दे देंगे 3000 रुपये। और ये मुर्गी कितने की हो जाएगी फाइनल? मुर्गी ये वाली 2500 में दे देंगे, ये वाली 2000 में दे देंगे। ये 2000 रुपये के देंगे, 2500 रुपये में। साथ 2 बच्चे भी हैं? 2 बच्चे भी हैं, बच्चे भी इसके नस्ली हैं, इसका जो बाप था वो भी थाईलैंडी था, बच्चे भी इसके प्योर नस्ली बच्चे। ठीक है, ये बताएं कि कहाँ से लेकर आते हैं, आपका शौक है घर में? मेरा शौक है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह घर पे बहुत मुर्गे, तो ये जो है अभी मेरे पास जगह नहीं थी, मैं इस वजह से मजबूरी के अलम बेचने आया हूँ, वरना मैं अपना शौक कभी भी नहीं बेचता। ठीक है, अपना नाम बताएं, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, कॉन्टैक्ट नंबर 0342-911-5829। अच्छा, बताएं आपने कहा मजबूरी में सेल करें, तो क्या मजबूरी है आपकी? भाई, मेरे पास जगह फुल हो गई है, दूसरा ये मेरा कोई नौकरी का मसला है, मेरे को काम पर जाना होता है जल्दी, टाइम नहीं दे पा रहा इनको। अच्छा, टाइम नहीं दे पा रहा, दाना पानी नहीं सही दे पा रहा, मुर्गे ख़राब हो रहे हैं, इस वजह से दे रहा हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स यहाँ इंटरव्यू के दौरान आप लोग देख सकते हैं, मुर्गा भाग गया है, और मुर्गा बहुत ही स्पीड में भागा है, और ये मुर्गा जो है मालिक को काट भी रहा था, अब जैसे ही मालिक ने इसको हल्का सा छोड़ा तो फुलकुरे निकल के भाग गया है, अब बड़ी मुश्किल से हाथ में आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ये बताएं कौन सी नस्ल का मुर्गा लेकर आए? मिस्री मुर्गा, देसी।
देसी मिसरी मुर्गा है ये, क्या काट रहे हैं लोगों को? नहीं ये काट रहा नहीं है, ये डर रहा है अभी, ये डर रहा है अभी लोगों से। इसको आप खुला छोड़ दो, ये चार पांच मुर्गी लेके चलेगा साथ। अच्छा कितने का देंगे फाइनली ये? कम से कम ये है वैसे तो 1200 रुपये का, लेकिन 1000 में दे देंगे। ये देखो अभी मुझे भी काट रहा है। 1200 रुपये का देंगे, कुछ कमी पेशी करेंगे? बस 1000 में छोड़ देंगे हम। 1000 रुपये में देंगे काटने वाला मुर्गा? 1000 रुपये में नहीं काटेगा जी, ये ऐसी डर रहा है ना, तुम्हारे काट रहा है। चले आपका नाम क्या है? अभी फोन नंबर बता दें अपना। फोन नंबर 4 मोबाइल ही नहीं मेरे पास। बात नहीं, बहुत शुक्रिया जजाकल्ला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ये बताएं कौन कौन सी नस्ल का मुर्गा मुर्गी आपके पास? हमारे पास हीरा नस्ल भी है, देख हीरा नस्ल में कहलाता है। हीरा नस्ल है? हाँ। कितने कितने के सेल कर रहे हैं ये? मना एक 2500 का, 2000 का बोल रहे हैं, 1500 का, 1600 का दे रहे हैं। अच्छा उम्र में कितने हैं ये? पट्टे हैं मना, ये मना 6 महीने के हैं, ये वाला है 4 महीने के हैं। निकाल के दिखाएगा ये छोटे वाले, देख रहा है ये 4 महीने का? हाँ ये 4 महीने के हैं, ये जो है ना ये 8 महीने के हैं। ये 8 महीने का, ये 4 महीने का? ये 4 महीने का। अच्छा इसकी आँखें दिखाएगा? ये आँखें हैं। कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ। और इसके पंजे भी दिखा दें। पंजे वाइट है देखो। ये वाले? ये वाले पीले हैं। अच्छा बताएं फाइनल कितने का देंगे 4 महीने का? ये मना ये वाला है, ये 1000 रुपये का दे देगा। और ये वाला? ये 1500 रुपये का दे देगा। कुछ कमी पेशी होनी चाहिए, ज़्यादा बता रहा हूँ। तो देखो ना यार हीरा नस्ल कहलाते हैं ये, मना हीरा नस्ल प्योर भी तो नहीं है, भी तो क्रॉस में। सही बताएं कुछ देने वाले रेट बताएं। तो लेने आएगा तो हम कम बता देना, देने वाले बता दें, लोग फिर आएंगे तो लेने के इरादे से आएंगे। कौन से वाले ये बताएं फाइनल कितने हो जाएंगे? इसके लगा देंगे 1000 रुपये। और इसके? उसके लगा देंगे 1300 रुपये लगा देंगे। इसके अलावा नेट में जो रखे हैं कौन कौन से? ये फुलिया नस्ल है, जावा नस्ल है। कितने कितने के सेल कर रहे हैं? ये वाला है ना, ये 2000 का है, वो 2500 का। इनकी उम्रें कितनी हैं? ये भी बैठे हैं, ये भी मना 8-9 महीने के। 8-9 महीने का? ये बड़ा निकालेगा, बाहर निकाल के दिखाएगा इसको। 3500 रुपये का। ये कौन सी नस्ल है? ये मना जावा कहलाता है। जावा नस्ल है ये, ठीक है। वजन में कितना है? 3 किलो है। और इसकी उम्र? उम्र इसकी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है फाइनल कितने का देंगे? फाइनल में इसको मना 3500 बताया है ना, 2500 रुपये में दे दूँगा। 2500 में देंगे, ठीक है। आपका नाम क्या है? कानिया। फ़ोन नंबर बता दें अपना। फ़ोन नंबर तो यार बच्चे के पास है मोबाइल, तो नंबर तो मेरे को याद नहीं होता है। पहले कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया जजाकल्ला। कोई मसला नहीं। व्यूअर्स मार्केट के अंदर यहाँ पे हमें एक ऑस्ट्रिच का छोटा पेयर नज़र आया है, जो कि 40,000 की रेंज के अंदर हमें मिल रहा है। तो इसकी एज के बारे में मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से जनाब? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं इस ऑस्ट्रिच के जो पेयर है बच्चों का, ये बताएं इनकी एज कितनी है? ये तकरीबन 2 महीने का है, 2 से 2.5 महीने का है। 2 से 2.5 महीने का जी। और इनकी प्राइस कितनी है? ये 40,000 रुपये का पेयर है। 40,000 का पेयर है जी। अच्छा इस मेल फीमेल की क्या पहचान है नरमादी की? मेल फीमेल पता चल जाता, थोड़े बड़े होंगे जब पता चलेंगे, अभी तो बिल्कुल मासूम है, थोड़े बड़े होंगे तो फिर इसमें पहचान होगी, अभी कंफर्म नहीं होगा, अभी अंदाजा हम बता सकते हैं देख के। अच्छा बताएं 40,000 फिक्स हैं या कमी पेशी है? 40,000 फिक्स हैं। तो व्यूअर्स आइए इनकी दुकान में, मुर्गा वगैरह भी देख लेते हैं आप। तो वाइट बफ के बारे में बताएं कितने कितने के सेल कर रहे हैं? ये वाइट बफ के पट्टे हैं, अभी तैयार है, तकरीबन 15-20 दिन महीना इनको लगेगा अंडों पर आने के लिए। ये पेयर 8,000 रुपये का है। 8,000 रुपये का जी। कमी पेशी है व्यूअर्स के लिए? ये 7,000 रुपये तक का दे देंगे, जो आपके व्यूअर्स आते हैं उनके लिए खसूस। अच्छा ऊपर एक ब्लैक कलर का, इसके बारे में बताएं। ये है ब्लैक हैवी बफ है ये। ये कितने का? ये खाली मेल है 8,000 रुपये का। खाली मेल 8,000 रुपये का जी। इसकी कमी पेशी होगी? ये 7,000 तक का दे देंगे, फीमेल इसके अभी मौजूद नहीं है। अच्छा ये बताएगा इसका वेट कितना है? वज़न? वज़न इसका तकरीबन होगा 3.5 से 4 किलो तो होगा, कभी किया नहीं है, ऐसे अंदाजन बता रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा ये फिलमेंगो? ये ब्लू बर्ड कहलाता है। ब्लू बर्ड जी। इनके बारे में बताएं। ये पेयर होता है 7,000 रुपये का, ये लॉन में घूमने के लिए खुला छोड़ते हैं, कलर चेंज करता है ये अपना, हर 2-3 महीने में कलर चेंज करता है। अच्छा कलर चेंज करता है? हाँ कभी फिरोजी हो जाता है, कभी ब्लू हो जाता है, कभी पर्पल हो जाता है, इस तरह कलर ही अलग अलग मुख्तलिफ। ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में बताएं। ये तो हमारे एक ये प्लेमाउथ का मेल है, और जो देसी जो हमारी मुर्गी होती है उसकी फीमेल है, इसके साथ हमने पेयर बनाया हुआ है। ये कितने का पेयर है? ये पेयर 8,000 रुपये का है। 8,000 रुपये का जी। इस पॉलिश के जोड़े के बारे में बताएं। जी अब अमेरिकन पॉलिश है, ये जोड़ा है जो है 14,000 रुपये का है, ये 12,000 रुपये तक कम दे देता है। प्योर है, क्रॉस है? प्योर प्योर पॉलिश है ये, ओरिजिनल है।
कमी पेशी क्या होगी इसमें? ये 12,000 तक कम दे देते हैं फिर, और जो मजीद हो सकेगा वो आपके लिए हम करेंगे, जो आपके ताउन के लोग आते हैं उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखें बैंटम रखे हैं, बैंटम के बारे में बताएं। ये बैंटम का पेयर है, ये अंडे दे रही है, इसकी फीमेल ब्रीडर पेयर है ये। कितने कितने का सेल कर रहे हैं? ये 6,000 रुपये का पेयर है, इसके हमारे पास बच्चे भी हैं, चिक्स हैं ये रखे हुए बराबर में। इसी कितने कितने के? ये 2,000 रुपये का पेयर है बच्चों का। अच्छा, चिक्स का पेयर 2,000 रुपये का और बड़ों का 6,000 रुपये का। जी, ये भी मतलब बहुत छोटे बच्चे नहीं है, समझो कि 1.5-2 महीने में ये अंडे देने के काबिल हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तैयार है। ठीक है, इसके अलावा ये वाले जो बैंटम है इनके बारे में बताएं। ये भी वही सेम प्राइस है, ये बैंटम का कलर अलग है, कलर मुख्तलिफ है, इसमें ब्लू कलर भी है हमारे पास, ब्लैक भी है, वाइट भी है। प्राइस कितनी है? प्राइस सेम होते हैं, 6,000 रुपये पेयर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा गिनी फॉल वाइट वाली, वाइट वाली गिनी फॉल जी, वाइट गिनी फॉल। ये वाइट गिनी फॉल है, 4,000 रुपये का पेयर है, बड़ा पेयर है ये, 4,000 रुपये का पेयर है। हाँ जी। ठीक है, और ये ग्रे कलर में जो वो ब्लू कलर कहलाता है, ब्लू गिनी फॉल है, वो 6,000 रुपये का पेयर है, 6,000 रुपये का। एक ये बड़ा पेयर रखा हुआ है, ये भी देख रहे हैं, पाइट गिनी फॉल कहलाती है ब्लू में। अच्छा, पाइट में निकला हुआ है, ब्लू में ब्लू है ये। ये कितने का? ये भी 6,000 रुपये का पेयर है, 5,000 रुपये तक का हम दे देंगे ये पाइन जी। इनके बारे में बताएं। ये हैमस्टर है, हैमस्टर हैमस्टर है। ये केज के साथ कितने का? ये केज जो है 10,000 रुपये का, और पेयर जो है 8,000 रुपये का है। केज जो है कितने का? ये 10,000 रुपये का, 3 मंजिला है। अच्छा जी। और 8,000 रुपये का हैमस्टर, हैमस्टर का पेयर है। कमी पेशी गुंजाइश होगी व्यूवर्स के लिए? 7,000 रुपये का कर देंगे व्यूवर्स के लिए, 6.5-7 का पेयर कर देंगे। और पिंजरे में कितने कम करेंगे? पिंजरे के तो मुनासिब रेट होते हैं, ये बाहर के इम्पोर्टेड होते हैं, इसमें तो इतनी गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, इस मंकी के बारे में बताएं। ये बच्चा है, मंकी का फीमेल है, और पली हुई है, इसको हाथ में लेके घूम सकते हो आप, पली हुई है, बगैर चैन पट्टा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। ये कितने का? ये 20,000 रुपये का, 20,000 का। ठीक है, इसके अलावा खरगोश के बारे में बताएं। जी, ये इंग्लिश अंगूरा है, इसमें बच्चे भी है, बड़े पेयर भी है हमारे पास, और कलर भी है मुख्तलिफ, 3-4 कलर भी। अच्छा, कितने कितने के सेल कर रहे हैं? इसमें बच्चे जो है 12,000 रुपये का पेयर है, बड़ा पेयर जो है 18,000 रुपये का है, ये नीचे जो रखा हुआ है ये ब्रीडर पेयर है ये वाला, और ये जो है ये ऊपर वाले जो है इन्हीं के बच्चे। ब्रीडर पेयर कितने का बड़ा? हाँ, ये 18,000 रुपये का है, और ये जो ऊपर जो रखे हैं ये इसी के बच्चे हैं। ये कितने कितने के? बच्चे 12,000 रुपये का पेयर है, 10,000 रुपये तक कम दे देते हैं जी। ये टर्की के बारे में बताएं, कितने कितने के? जी, ये टर्की का ब्लैक कलर में जो पेयर है ये 12,000 रुपये का है, और इसमें जो है मेरे पास वाइट भी है और वाइट भी है, सामने रखे हुए हैं कलर में भी है, तो कितने कितने के? 15,000 रुपये का पेयर है ये, 12,000 रुपये का जो ब्लैक कलर में बड़े पेयर है, अंडे देती हुई फीमेल है इनके साथ जी। इस मोर के बारे में बताएं। जी, ये ब्लू शोल्डर मोर है, ये बड़ा मेल है, इसकी फीमेल भी है हमारे पास रखी हुई अलग से, ये पेयर मिलेगा 40,000 रुपये का, 40,000 का पेयर है। हाँ, फुल बड़ा पेयर है। कुछ कमी पेशी गुंजाइश हमारे व्यूवर्स के लिए? 38,000 रुपये का कर देंगे, 2,000 रुपये तक की इसमें गुंजाइश है। और वाइट टर्की के बारे में बताएं, कितने का? वाइट टर्की का बड़ा पेयर मिलेगा 15,000 रुपये का, 15,000 रुपये का बड़ा पेयर है जी, बड़ा पेयर है जी। अपना नाम बताएं, शॉप की लोकेशन बता दें, शॉप का नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें जी। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, और इम्प्रेस व्यू मॉल के नीचे हमारी शॉप है, रेम्बो सेंटर के बराबर में, और कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 0333638224780। ठीक है। अच्छा, हमारा व्यूवर कांटेक्ट करेगा तो कमी पेशी करके देगा, ठीक है, रियायत करके देगा जी, बिल्कुल जितना हो सकेगा उतना करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं सर, अल्लाह आपके दुआ। सर, औकात कैसे चल रहा है सर? अभी आई देखो सुबह से सर, बटेर लिए 100 रुपये के, अभी कुछ लग रही नहीं, कुछ कारोबार ही नहीं सर। कारोबार नहीं है बिल्कुल भी? बिल्कुल भी नहीं सर। ठीक है, ना कारोबार ये काम है, ना कुछ घर का जो कारा है सर, एमरोड का कढ़ाई वो भी छूट गया सर, काम भी छूट गया जी सर, वो भी कर रहे हैं बिल्कुल फारिग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा सर। मैं आपके इंतजार में आया, मैंने बोला चलो आप लोग कुछ मदद करते हैं, हमारे जो व्यूअर लोग, आपके व्यूअर लोग तो कुछ मदद करें। मैं सर का फोन किया, सर हमारे कुछ मदद, बोले सर आपने बोला, सर ने बोला आप सदर में प्लस मार्केट पर आ जा रहे हैं। चले, हमारे व्यूअर्स ने ताउन किया था, आपको राशन का बैग दिया जाएगा। ये हमारे व्यूअर्स की तरफ से, ठीक है, उनके हक में दुआ कीजिएगा, ठीक है, अल्लाह पाक इनको खुश रखे सर, ठीक है, उनके लिए दुआ कर दीजिए जी सर। सर हमारी ईद के ऐसे कुछ खर्चे पानी नहीं है सर, ईद ऐसे नहीं बनेंगे सर हमारे,
देखें ईद तो इस दफा किसी के भी नहीं बनेगी, इतने लोग मरे जी जी। हम लोगों ने भी अभी तक शॉपिंग नहीं करी है। नहीं, नहीं सर, लेकिन हाँ। चले कोई मुखिया हजरात ताउन करेगा तो आपके साथ ताउन करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकअल्लाह। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? खैरियत से, शुक्र मालिक का। जी व्यूअर्स को बताएं क्या परेशानी है आपके साथ? परेशानी है भाई, जब से कोरोना है कारोबार नहीं है, घर किराए का है और बहुत परेशान है। बड़ा बेटा है मेरा कमाने वाला, वो नशा करता है, हस्बैंड नहीं है, 14 साल में उनकी डेथ हो गई है। सर बड़ा बेटा नशा करता है जी। चलें हमारी टीम आपके साथ ताउन करेगी, हमारे व्यूअर्स ने ताउन किया था, आपको राशन का पैक देते हैं। मेहरबानी करें, शुक्रिया। ये हमारी टीम और हमारे व्यूअर्स की तरफ से, ठीक है, उनके हक में दुआ कीजिएगा। ज़रूर ज़रूर, शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो मुखिया हजरात से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग ताउन करना चाहते हैं तो हमारे साथ ताउन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं, इंशाल्लाह इन सब की मिलके हम सब मिलके मदद करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस नेक काम में हम सबको बरकत दे, आमीन। व्यूवर्स, ये थी सदर संडे बर्ड्स मार्केट की अपडेट। यहाँ पे हमने साथ साथ डॉग मार्केट भी कवर करी, क्योंकि यहाँ पे डॉग मार्केट में बहुत ही कम डॉग आए थे, एक तो डॉग आए थे, कवर करके आपकी खिदमत में डॉग की अपडेट भी पेश करी, साथ साथ आपको बर्ड्स की कीमतों से भी आगाह किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसी किस्म के प्रोग्राम आप लोग के लिए करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुँचे। इंशाल्लाह हमारी टीम नेक्स्ट संडे फिर हाजिर होगी, जब तक के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम व्यूवर्स को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला आप लोग को आप लोग के अहले खाना के साथ खुश रखे, आमीन। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Oh, oh, oh.